तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, निकल दिए हम लोग एक काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए, वो है अपने मीटर चेंज होने का। दो दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी और आज तारीख है अपनी 18 तारीख है शायद से, हाँ जी 18 तारीख है, और 18 तारीख को जो है आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके लिए बना रहा हूँ। देखो, मीटर जो है हमने ऑर्डर पर लगाया था, ठीक है। कई लोगों ने वीडियो देखी नहीं पूरी और नीचे बोलते कि भाई प्राइस बता दो, जिस चीज़ का प्राइस मैं बता सकता हूँ बता दिया था। उसका था 15,880 रुपये के आसपास जो है उसका प्राइस मुझे पड़ा था, तो आप लोगों को भी सेम इतने का ही पड़ना चाहिए। अब हुआ यूँ कि परसों हमने लगाया था और आज फोन आया जितेंद्र भैया का कि अर्ष भैया मीटर जो है आपका आ गया है, आप आ जाओ और लगवा देते हैं। अब दिक्कत ये है कि शायद से मारुति वाले लगवाएं नहीं लगवाएं, अगर नहीं लगवाएंगे तो फिर बाहर गो मैकेनिक में लगवाऊंगा या किसी पे भी लगवाऊंगा। अगर मारुति लगा देती है तो वेल एंड गुड है, बट वहाँ पे एक बार खोल के देखूँ मैं कि यार ये थार देखो भाई क्या जबरदस्त लग रही है भाई, बढ़िया एकदम अलग मस्त लग रही है। तो हाँ, मैं कह रहा था उसके यार ऊपर हार्ड टॉप भी पेंटेड था इसका, बहुत बढ़िया लग रही है उम्दा। तो मैं कह रहा था कि पिछली बार क्या हुआ था, जब मैंने स्विफ्ट का मंगवाया था मीटर, तो उस मीटर में हुई थी गलती कि उन लोगों ने LXI का मीटर मंगा दिया था और वो था कुछ 5,000 रुपये का और टॉप एंड वेरिएंट का 11,000 रुपये का है। अभी 15,580 का मेरे से ने चार्ज कराया, तो इसका मतलब यही होगा कि टॉप एंड वेरिएंट का ही जो है मीटर अपनी गाड़ी में लगने वाला है। तो चलता हूँ फटाफट, पहले तो प्रेम मोटर्स जाऊँगा मैं अपने जितेंद्र भैया को उठाने, प्रेम मोटर्स में जाने के बाद फिर मैं जाऊँगा अपने इसमें पिट स्टॉप, मारुति सुजुकी पिट स्टॉप, जहाँ की आपने उस दिन वीडियो देखी थी सेक्टर 18 की। तो प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है, लेट्स सी कैसा कुछ है। प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट टाइम आप लोग ये मीटर को देख रहे हो एंड मैं भी इस मीटर को देख रहा हूँ, क्योंकि नया लग गया तो उसके बाद कौन इसको देखेगा, है ना। तो चलो चलते हैं। तो आगे हूँ भाई मैं मारुति में और ये सिकंदरपुर में पड़ता है अपना प्रेम मोटर्स करके। अगर आपको भी रेजा लेनी हो या फिर कुछ भी करना हो तो यहाँ पे जितेंद्र भैया हैं और एक अपने और भाई हैं, उनसे आप लोग जो है कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। काफ़ी अच्छा स्टाफ है और जितेंद्र भैया भी काफ़ी बढ़िया इंसान है, मतलब हेल्पिंग होना चाहिए। देखो कई लोग मना कर देते हैं नहीं हो पाएगा, जितेंद्र भैया ने कहा कि हाँ एक बार पूछ आते हैं, अगर मिल गया तो बढ़िया, और फिर आज मीटर जो अपना पर्सनली आ ही गया है, तो चलते हैं एक बार। तो भाई ये ना ऐसे कमाल सी बात होगी, जितेंद्र भैया 2 दिन में आ गया है ना पार्ट, तो भैया ने पहले बता दिया था कि 2 दिन में भी आ सकता है, आने को 2 दिन में आ जाए और मैक्सिमम 1 वीक लगेगा, है ना। तो 2 दिन में जो है अपना पार्ट एकदम आ गया है, तो आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी नई अल्टो भी आ गई है ना, मतलब कल परसों में आ जाएगी प्रेम मोटर्स, लॉन्च हुई है 2 दिन में शोरूम में गाड़ी मिलेगी। और वेटिंग वोटिंग आएगी उस पर कुछ? वेटिंग में जहाँ तक उम्मीद है थोड़ी बहुत वेटिंग आएगी, वेटिंग आएगी थोड़ी बहुत वेटिंग आएगी तो ठीक है। पेपर हाँ, नई वाली अल्टो जो है ना गाड़ी काफी अच्छी बनाई है, मतलब एक चीज लगा लो जो बेसिक मॉडल था ना गाड़ी का वो पूरा बदल के रख दिया है ना, बहुत चेंज है, काफी फीचर्स ऐड, काफी फीचर्स ऐड हुए हैं। तो अल्टो बेल्टो नहीं रही, और मतलब लगा लो कि आपको दूसरी जो कंपनीज हैं उनके मुकाबले में तो काफी सही इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं एक बार अपना मीटर लेने और उसके बाद दिखाऊंगा। तो भाई हम लोग आ गए यहाँ पे अपने जहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर करा था, और शेखर भैया पे शायद कैसे हुआ? बढ़िया भैया, बढ़िया। तो भाई अभी एक बार आते हैं जितेंद्र भैया, मीटर तो नहीं लगाते होंगे ना वैसे? मीटर यहाँ वैसे नॉर्मली लगता तो नहीं है, चलो पूछ लेंगे, अगर नहीं लगाया तो नहीं तो गो मैकेनिक पे लगवा लूंगा बाहर। भारी नंदू तो बिग बखार लगा, काम करने लगाओ जो पड़ो खुले पड़ेगा। उठा लिया मैंने मीटर यहाँ से, ये रहा, अभी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा इसकी। एक बार चलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रेम मोटर्स और फिर वहाँ पे अनबॉक्सिंग करेंगे और वहीं पे इंस्टॉल करवाएंगे इसको। अब आपको मीटर की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, MGP का ही है, मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स करके, एक बार लेट मी शो यू। और थैंक यू भाई शेखर भैया का भी और जितेंद्र भैया का भी जिन्होंने ये अरेंज करवाया, और दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो पूरा जो है अपना MGP जेन्युइन पूरे डब्बे में ही आता है, एंड ये रहा इधर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो गाइस दिस इज द टॉप एंड मॉडल का जो अपना मीटर आता है, दिखने में जो है ना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगेगा ये, अंदर से जो है अनबॉक्सिंग भी खुलना भी स्टार्ट हो गया अपना, तो भाई कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। और अभी अंदर लग जाता है फिर दिखाता हूँ इसके क्या क्या फंक्शन है और कैसे कुछ है। यहाँ से ना अपना खुलना स्टार्ट हो गया है, मीटर जो है पूरा खुलेगा अभी, पहले ये रहा एक पैनल इधर निकल चुका है, एंड इसी तरीके से ये वाला भी निकलेगा, फिर जो है मीटर खुलेगा पूरा। एंड प्रोसेस जो है मतलब लगा लो कि किसी एक्सपर्टाइज में ही करवाइए, जैसे भैया को पता है संजय भैया को, तो वो करने लग रहे हैं अभी बढ़िया से एकदम, और लग जाता है एक बार। उसके बाद दिखाता हूँ स्टीयरिंग नीचे कर दूँ एक बार, ये लो नीचे ही है, ठीक है। तो स्टीयरिंग तो ऑलरेडी नीचे ही है, एंड मीटर जो है मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया था, MGP का ही है, मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट ही है भाई। और वैसे भी तो भाई अपना पुराना टूट गया था, बट जो इसके जो लुक्स होंगे ना वो टोटली डिफरेंट आने वाले हैं, आप लोगों को दिखाऊं पूरे मतलब चेंज हो जाएंगे गाड़ी में जितने भी लुक्स थे जैसे भी थे, एंड काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। मैं तो प्रीटी मच एक्साइटेड हूँ, आप लोग मेरे जितने एक्साइटेड हो तो ज़रूर लिख के बताएगा कमेंट सेक्शन में भाई। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि 15,000 रुपये का कुछ आता है ये, एंड ये रहे स्क्रू है ना यहाँ पे, ये लगेंगे। कैसा लगा जितेंद्र भाई आपको मीटर? बढ़िया है ना, काफ़ी लगने के बाद तो और भी ज़्यादा सही लगेगा, है ना।
तो ये रहा भाई यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये जितेंद्र भैया की मेहनत की वजह से इन्हें काफी सपोर्ट कराई, तो इतनी जल्दी मिलता नहीं है ना। हाँ थोड़ा टाइम लगता है, चलो किस्मत भी थी आपकी। हाँ जल्दी आ गया। और पता है क्या, जैसे ना मैंने पिछली बार अलवा में लगाया था, तो अलवा में मिल जाते होंगे पार्ट्स, बट फिर टाइम लगता है थोड़ा, तो जो भी है भाई आ गया अपना यहाँ पे। एंड लगने के बाद लुक्स तो अंदर के पूरे चेंज हो जाएंगे ना, मतलब हाँ, बस एक चीज रहेगी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टाइम पे अगर कभी बनी बात, देखो मैं झूठा नहीं बोल सकता कि हाँ होता ही होता है, अगर हो पाया तो जरूर बताएंगे भाई आपको कि पॉसिबल है या नहीं है, उसकी भी कोशिश रहेगी, तो वी विल सी एक बार भाई सही नहीं होता है। अच्छा और एक चीज़ और कि भाई देखो, अगर आपको गाड़ी लेनी है तो जितेंद्र भैया को कॉन्टैक्ट करो, स्पेयर पार्ट्स में डील नहीं करते हैं ना, स्पेयर पार्ट्स का अलग है। मैंने उस दिन नंबर दिया था तो कई भाई भैया से डायरेक्टली, अगर आपको गाड़ी कोई भी चाहिए अपनी नई अल्टो K10 है ना, या ब्रेजा या जोन सी भी है, तो जितेंद्र भैया से आप कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। प्रेम मोटर्स गुड़गांव सिकंदरपुर है ना, सिकंदरपुर वाला अपना GMD मॉल है ना ये? जी बिल्कुल GMD मॉल वाला है, तो यहाँ पे आप भी कॉन्टैक्ट करके भैया से पर्सनली ले सकते हो। इधर जो है खुलने लग गया अपना यहाँ पे, वो पुराने वाला तो उतर गया है और नया वाला आपको मैंने दिखाई दिया था, डिफरेंस जो है ना काफ़ी है दोनों में, और लेट्स सी एक बार कैसा कुछ जो है लगेगा। ऐसे ही है, सेम ही पूरा सेम एज इट इज लगेगा ये, एंड कुछ खासा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया बोला था अभी, फर्स्ट टाइम इन इंडिया करके भी दिखा दिया, सिर्फ ऐसे बोलने बोलने का नहीं होता कि आके मैं जोर से चिल्लाऊं और बोलूं कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया कर दिया कर दिया। अब करा है तो करा है भाई, लग गया अपना कपलर, कपलर टू कपलर है, कोई ज़्यादा दिमाग इसमें है नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो मैं पहले से बता दूं ऐसा सच कुछ नहीं है, इसमें कपलर टू कपलर है। एक बार चाबी लगा के देख लो, हो गया? हाँ आ गया, उसमें भाई आ गया है, बढ़िया से लग गया, एकदम सक्सेसफुल है भाई, मीटर लग गया है। एंड दिखाऊंगा पूरा, अभी दूर से नहीं दिखा सकता, मेरे को एक डर था कि चलेगा नहीं चलेगा, बट हाँ ऑन जो चाबी दिखूँ तो संजय भैया ने लगा दिया है, और काफ़ी मतलब एकदम यूँ लगा लो कि तो भाई ये संजय भैया ने अपना नाम है ना, तो भाई संजय भैया ने ये लगा दिया यहाँ पे, और आप लोग भी लगवा सकते हो आगे संजय भैया से ही, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब ये लगा लो एकदम प्रोफेशनल काम करा है, ऐसा नहीं है कि भाई आपकी गाड़ी खोल दी हो ये, मतलब जो चीज़ यहाँ से होनी चाहिए थी वैसा ही करा एकदम। एंड अब मैं आपको पूरे के एक फंक्शन दिखाऊंगा इसके, बहुत ही ज़्यादा उमदा लग रहा है। राम राम जी, लग चुका है मीटर अपनी गाड़ी में, फास्टन सीट बेल्ट करके बार बार ये बता रहा है। अच्छा एक सर्विस कनेक्टेड जो आ रहा है ना, इसमें मैं बताता हूँ क्या है बेसिकली, मैंने पूछा था तो बोल रहे हैं कि गाड़ी में मतलब सेंसर जितने ज़्यादा हैं, अगर आप अपनी गाड़ी को कुछ भी चेंज कराते हो तो एक बार सेंसर मतलब वो क्लियर करवाने पड़ते हैं आपको, कुछ एरर्स आ जाते हैं बेसिकली। तो कल एक बार स्कैनिंग के लिए जाएगी ये गाड़ी, उसके बाद ये जो एक वार्निंग आ रही है ना बीच में बार बार, ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा ट्रायंगल करके, ये जो है हट जाएगी वहां से, ठीक है। एनीवेज गियर वाली जो चीजें हैं एकदम प्रॉपरली काम कर रही है भैया, यहाँ से दिख रहा होगा। एक बार सीट बेल्ट पहन लेता हूँ, गाड़ी ने बहुत सी बार बोल दिया हम लोगों को सीट बेल्ट पहनने के लिए कि सीट बेल्ट पहन लो, तो पहन लिए सीट बेल्ट, एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। एक बार ना कहीं पे लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में कौन से फंक्शंस जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये स्पीड वगैरह जो है सारी चीजें एकदम सही से बता रही है, सर्विस कनेक्टेड बार बार आएगा, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था ये एरर आ ही रहा है इसमें, तो वो मेरे को एक बार सॉल्व कराना पड़ेगा। तो देखो हाँ, ये जो है अपना माइलेज एकदम बढ़िया से बता रही है, उसके बाद ऊपर जो है टेम्परेचर भी थोड़ी देर में उठा लेगी, कई सारे मोड जो है इसमें आपको मिल जाते हैं, एक बार दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो है अपना रनिंग का आ जाता है, उसके बाद कितनी देर से गाड़ी रन कर रही है मिल जाता है आप लोगों को, कई सारे फीचर जो है मिल जाते हैं। क्लॉक जो है पर्सनली मेरे को तो भाई बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लगी, एंड उसके बाद जो है ये मोशन फ्रंट और ये सारा बता देता है कौन से हैं। टॉर्क और ये देखो प्रॉपरली एकदम वर्क कर रहा है कि टॉर्क अपनी गाड़ी में कितना है, तो प्रॉपरली वो भी जो है आने लग रहा है। साथ ही साथ मैं आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ एक बार इसमें, बेसिकली आपका जो हाइब्रिड वाला सिस्टम है एक्सेलेरेशन और ब्रेक भी आपको बताता रहता है कि आप ये ड्राइविंग कैसे कर रहे हो अपनी गाड़ी की। ये जो है हाइब्रिड वाला आपको फंक्शन मिल जाता है यहाँ पे, एक बार लगा के दिखाऊंगा सारा सो दैट आपको पता चल जाए। तो ये सर्विस कनेक्टेड आएगा, ये ऑब्वियस ही बात है, कल हट जाएगा, मैंने पहले भी बता दिया। ये फंक्शनिंग सारी करता है जितना आपका टॉप मॉडल वाला करता है, कुछ उसी टाइप से जो है ये फंक्शनिंग करके दिखाता है यहाँ पे। अभी आपने देखा कि आइडल जो स्टार्ट स्टॉप है उसमें दिखाया था अनअवेलेबल, मतलब वो होता होगा कि आई डोंट नो किस तरीके से होता है, कैसे कुछ होता है, ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से, तो ऑफ की रोशनी भी जो आपको ऊपर दिख जाएगी, ठीक है। अब आई डोंट नो ये एरर किस चीज का आ रहा है, कल इसके लिए मैं जाऊंगा एंड फिर हम लोग देखेंगे। अब मैं एक चीज बताता हूँ क्या कुछ मिल जाता है आपको, उसके नीचे देखो फुल जो अपना फ्यूल वाला आता है वो भी यहाँ पे दे रखा है, उसके बाद जो है फिर आपका ये वाला मिल जाता है आपको जो कूल हॉट का कितना रहता है। अच्छा मैंने ब्रेजर की एक चीज देखी है कि ना बड़ी जल्दी हॉट नहीं होती, ये कूल पे रहती है, तो अच्छी बात है ये भी। अब इसको एक बार यहाँ से हटाते हैं, काफी इरिटेटिंग है ये चीज। इंजन और मोटर ये देखो आप ये देख सकते हो, ये बताएगा आपको कि बैटरी आपकी कितनी है गाड़ी की, ठीक है। 12.5 की जो है एवरेज आई है किलोमीटर, थोड़ी देर में बता देगा वो जितने भी हैं, मतलब फंक्शन सारे काम कर रहे हैं इसमें एकदम प्रॉपरली, मोशन लेफ्ट राइट रियर टॉर्क और ये देखो ये सब कुछ ऐसे बता सकता है। एक्सेलेरेशन और ब्रेक भी दिखा रहा है कि हम लोग एक्सेलेट कितना कर रहे हैं उसके बाद ब्रेक कितना, तो ये पूरा एक ग्राफ सा आ जाता है। एंड उसके बाद जो है आपका हाइब्रिड का जो सिस्टम है उसका है, ठीक है। तो ये सारे कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं इसमें आपको, काफी बढ़िया है। और अगर आपको सेटिंग्स में भी जाना हो तो मैं एक बार सेटिंग्स में भी दिखा देता हूं कि ये सॉरी रीसेट हो गया, दोनों प्रेस करेंगे तो सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में दुनिया जहान के जो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। वापस आगे सर्विस कनेक्टेड इसको हटाएंगे, आई डोंट नो क्या है, आप में से किसी को बताओ बताना। वैसे मेरे हिसाब से अगर हम जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि भैया आप इसका, मैंने क्रूज चेक नहीं,
रहा, क्रूज इससे एक्टिवेट नहीं होता होगा। अच्छा, जो गाड़ी खोलता हूँ ना भाई, ये देखो क्या जबरदस्त एनिमेशन जो है आती है, एक नंबर की एनिमेशन दिखती है यहाँ पे जैसे मैं गाड़ी खोलता हूँ उसके बाद, तो भाई मजा सा आ गया मेरे को तो। एंड सारे अगर दरवाजे खोलेंगे तो उसके बाद जो एनिमेशन आएगी, बल्कि इस कल मैं अपडेट दूंगा इसका हर्ष चौहान वाले चैनल पे कि ये सर्विस कनेक्टेड का मतलब क्या है, बेसिकली ये सर्विस कनेक्टेड क्यों लिखा रहा है। 15,880 रुपए समथिंग का जो है मुझे पड़ा है प्राइस, मैंने आपको बता दिया। एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस ये सर्विस कनेक्टेड वाली चीज जो है अट जाए उसके बाद मजे आ जाएंगे। तो एज सच जो है अपना कुछ मीटर आपको गाड़ी का मिल जाता है टॉप एंड वेरियंट वाला, ठीक है। तो सारी चीजें जो है बढ़िया से इसमें वर्क करने लग रही है, तो उस चीज से आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि बढ़िया से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये लो रिवर्स गियर एंगेज कर दिया, तो सारी चीजें जो आपको बताता हूं। गाड़ी अगर मैं बंद कर देता हूं मतलब इंजन ऑन नहीं है, तो एज सच आपको कुछ मिल जाती है। और भाई इसमें तो पूरी डिट्टो रेंज रोवर ही लग रही है गाड़ी, जबरदस्त वाली। और इससे मेरे को एक चीज तो पता चल गई कि अगर डिबैजिंग कराऊंगा तो और जबरदस्त लुक जो है आएंगे। तो हर एक चीज में कुछ ना कुछ कंटेंट ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये एज सच आपको कुछ मिल जाता है, मीटर बहुत ज्यादा लाजवाब है, नो डाउट। गाड़ी के जो इंटीरियर वाले लुक्स है ना वो ही बदल दिए, तो कल एक बार बस देखूंगा सर्विस वाले जाके कि वो मेरे को क्या बताते हैं ये जो एरर है ये क्यों आ रहा है, या फिर ओबीडी पोर्ट स्कैनर से मैं खुद ही इसको स्कैन कर लूंगा।